हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस और पार्ट थ्री स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशंस की जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्स है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप सभी की एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे ही कोर्सेज की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की रूटीन जो है वो यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी कर दिए गए। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ और आपको शेड्यूल कहाँ से आप सभी को डाउनलोड करना हो वो भी बताऊँगा। वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब। और चलिए, ये रहे इवेंट सेमेस्टर स्टूडेंट्स की यहाँ पे पार्ट थ्री के सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम जो है वो स्टार्ट होनी है। यहाँ पे 29 जुलाई से ही आप सभी की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं BA BSc की जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 29 से लेकर 3 अगस्त के बीच सबसे पहले यहाँ पे ऑनर्स यहाँ पर जो है पार्ट थ्री स्टूडेंट्स के कंप्लीट होंगे। इसके बाद सेम यहाँ बीकॉम के भी, यहाँ पे बीकॉम पार्ट थ्री स्टूडेंट्स के भी सेम यहाँ पे शेड्यूल है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको देख लेना है आपकी, आप जिस ब्रांच के आप देखना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे BA BSc यहाँ पे 6 सेमेस्टर के भी आप देख सकते हैं 29 और 30 जुलाई से ही इनकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। टाइमिंग यहाँ पर दे दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पर 4th सेमेस्टर भी यहाँ पर देख सकते हैं BA BSc की, 4 अगस्त से यहाँ पे 4th सेमेस्टर जो है इनकी स्टार्ट होंगी और जो आखिरी एग्ज़ाम होंगी वो 10 अगस्त तक होंगे यहाँ पे 4th सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं, यहाँ पे 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच इनके एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। और 4th सेमेस्टर की भी बात करूँ तो यहाँ पर दे दिए गए हैं नॉन MCQ और MCQ की टाइमिंग क्या क्या है यहाँ पर। जो 4th सेमेस्टर के भी जो BCom के एग्ज़ाम है यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी जो स्ट्रीम है यहाँ पर आप सारा ही देख लीजिएगा। यहाँ पे BBA BEd सारे ही लॉ के सारे ही यहाँ पे शेड्यूल्स दे दिए गए हैं। ये आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से CU exam.net की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।